जाहिद अनवर है। आज जो मैं आपको पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम लॉगरिदम है। अब लॉगरिदम क्यों पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या इसके प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या डिडक्शंस हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम लोग इसके डिफिनेशन को देखते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या है। आप मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना कि एवरी पॉजिटिव रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू फॉर्म। Every positive real number can be expressed in two form. Either it is exponential form or logarithmic form. तो exponential form हमने कहाँ पढ़ा है? 8, 9, 10th में हमने पढ़ा है। हमने बहुत सारे questions किए हैं, जैसे 9, 10th में कि 2 to the power 3 is equal to क्या होता है, 3 to the power 2 is equal to क्या होता है, 3 to the power 3 is equal to क्या होता है। ये सारे question हमने 8, 9, 10th में पढ़े हैं, ठीक है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हाँ ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल हमने तो पढ़ा हुआ है, तो फिर लॉग की क्या जरूरत पड़ी। अब लॉग की क्यों जरूरत पड़ी मैं आपको वो बताता हूँ कि लॉग की जरूरत क्यों पड़ी। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये 2 to the power 1/2, इसकी वैल्यू आपको पता है और इसको कैसे निकालना है आपको ये भी पता है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली 1.4 इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। ये तुम्हें पता है कि कैसे निकालना है। अब देखो एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 2 to the power 1/79, अब इसकी वैल्यू बताओ, या फिर 2 to the power 91/99, अब इसकी वैल्यू बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन तो हमने नहीं पढ़े हैं। तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए हमने एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस किया 11th क्लास में, जिसका नाम है लॉगरिदम। अब क्या क्या चीजें हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड है एक्सपोनेंशियल में और लॉग में, वो मैं आपको धीरे धीरे करके एग्जाम्पल के थ्रू बताता जाऊंगा। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ कि जो n ये इक्वेशन है, n इज इक्वल टू a टू द पावर x और log ऑफ n बेस a इज इक्वल टू x, ये एक दूसरे को इम्प्लाई करते हैं। मतलब अगर मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि n इज इक्वल टू a टू द पावर x है, तो log ऑफ n बेस a इज इक्वल टू x भी यही चीज है। अब वो कैसे ये चीज है हम लोग क्वेश्चन करेंगे और धीरे धीरे इसको मैं समझाता जाऊंगा। तो उससे पहले हम लोग कुछ एक टर्म है, पर मैंने बोला था कि एवरी पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, कुछ टर्म्स हैं जिनको हम लोग को याद भी रखना और कुछ कंडीशन है। तो मैंने ये बोला कि एवरी पॉजिटिव रियल नंबर, तो ये कोई पॉजिटिव रियल नंबर है n, इसको ऐसे लिख देंगे n इज ग्रेटर देन 0। अब एक और कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि a इज ग्रेटर देन 0 और एक और कंडीशन a इज नॉट इक्वल टू 1। अब ये जो तीन कंडीशन है ये आपको दिमाग में इस पूरे चैप्टर के लिए रखना है। और ये n ग्रेटर देन 0 क्यों है, a ग्रेटर देन 0 क्यों है और a इज इक्वल टू 1 क्यों नहीं है, ये सभी चीजें मैं आपको धीरे धीरे करके एग्जांपल में बताते जाऊंगा आगे, ठीक है। मैंने आपको अभी एक्सपोनेंशियल के कुछ एग्जांपल्स दिए थे और एक कंडीशन यहाँ पे लिखाया था, ठीक है। तो हम लोग 1 by 1 इन कंडीशन को देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे ये कंडीशन क्यों अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मैं इस पहले वाले कंडीशन को छोड़ता हूँ, इन ग्रेटर देन 0, इसको थोड़ी देर के लिए रोकते हैं। हम लोग दूसरे कंडीशन को देखते हैं, ए ग्रेटर देन 0 और ए इज नॉट इक्वल टू 1 को, ठीक है। तो यहाँ पे आओ, पहले इन को क्या बोलते हैं, एक पॉजिटिव रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव रियल नंबर। ए को हम लोग बेस बोलते हैं, ए को बेस बोलते हैं। एक्स को हम लोग पावर बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट बोल सकते हैं या इंडेक्स बोल सकते हैं, इसमें से तुम कुछ भी बोल दो, ठीक है। ये सब तो हम लोगों ने 8th-9th में पढ़ा होगा, इसलिए मैंने उसको ज्यादा उस वक्त नहीं बताया था, ठीक है। तो एन पॉजिटिव रियल नंबर है, ए बेस है और एक्स पावर एक्सपोनेंट या इंडेक्स है, ठीक है। तो अब आगे जो हमारा कंडीशन था, ए ग्रेटर देन 0 और ए इज नॉट इक्वल टू 1, उस पर कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। अब ए की वैल्यू कुछ लो 2 ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, 2 to the power 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 8। 2 to the power -2 लेते हैं और इसके पावर में भी 2 ले लेते हैं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। फिर -2 ले पूरी लेते हैं और इसके पावर में 3 लेते हैं, ठीक है, -8 आ गई। तो अब आप लोग बोलोगे कि सर आपने ए ग्रेटर देन 0 बोला था, यहाँ पे तो आपने ए लेस देन 0 लिया। तो मैं आपको एग्जाम्पल शो कर रहा था कि मैं क्यों ए ग्रेटर देन 0 ले रहा हूँ। तो यहाँ पे a लेस देन 0 लिया मैंने, तो हमारा जो वैल्यू आया वो निगेटिव में है, हमें क्या चाहिए था, पॉजिटिव में, पॉजिटिव रियल नंबर, तो ये वैलिड नहीं होगा, ठीक है। इस जो हमारा इक्वेशन है
जो हमारी डिफिनेशन है उसके लिए तो ये वैलिड ही नहीं है। फिर अगले पे आते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं कि माइनस टू टू द पावर वन अपॉन टू। अब ये देखो, अब इसको क्या लिखते हैं, रूट अंडर माइनस टू, ये तो इमेजिनरी आ गई, यहाँ पे तो पॉजिटिव नंबर ही नहीं आया था और यहाँ पे तो रियल भी नहीं आया, ये तो सीधा इमेजिनरी आ गया। तो हम अपने डिफिनेशन को सेटिस्फाई करने के लिए, या हम अपने जो भी है एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करने के लिए कुछ कंडीशन अप्लाई करते हैं, और वो कंडीशन है इन ग्रेटर देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो और ए इज नॉट इक्वल टू वन, ये हमेशा ट्रू होगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये इस पूरे चैप्टर में हम लोग, अगर इससे मैं जरा भी डिविएट करूँ तो आप मुझे बीच में रोकना, कि अगर इसके अलावा कुछ भी, इस कंडीशन के अलावा मैं अगर कुछ भी करूं तो आप मुझे बीच में रुकना, ठीक है। अब आगे देखते हैं, मैं आपको कुछ और चीज बताता हूं, ठीक है। मैंने एक और चीज आपको शुरू में ही बताया था कि जो ये n इज इक्वल टू ए टू द पावर x है, ये मैथमेटिकली इक्विवेलेंट है log ऑफ n बेस a इज इक्वल टू x, ये मैंने आपको शुरू में ही बोला था, ठीक है। तो अगर जो कंडीशन इस पे एक्सपोनेंशियल पे होल्ड करती है वही लॉग पे भी होल्ड करेगी, ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के मैथमेटिकली इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लॉग लॉग ऑफ एन बेस ए इज इक्वल टू एक्स लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी एन ग्रेटर देन जीरो होगा, ए ग्रेटर देन जीरो होगा और ए इज नॉट इक्वल टू वन होगा, यहाँ पे भी ये कंडीशन होल्ड करेगी और ये ट्रू होगा, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में अब इसी कंडीशन पर हम लोग बात करेंगे। आप हमेशा दिमाग में रखना, जब भी हम कोई क्वेश्चन करेंगे लॉग का तो हमेशा हमारे दिमाग में होगा कि हाँ एन ग्रेटर देन जीरो होगा, ए ग्रेटर देन जीरो होगा और ए इज नॉट इक्वल टू वन होगा, चाहे कुछ भी हो जाए हमको ये कंडीशन याद रखनी है, आप अपने दिमाग में रखना। और ये जो इक्वेशन है इसको याद करने का एक तरीका है कि इसको इधर मूव कर दो और इसको इधर मूव कर दो, ठीक है। तो एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लिख दिया, इसको याद करने का तरीका है। अब एक एक करके हम लोग एग्जाम्पल करते हैं, इस पर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं लॉ वाले पे, ठीक है। ये कंडीशन हमेशा आप दिमाग में रखना, चाहे कुछ भी हो जाए आपको भूलना नहीं है, आप एक दो बार देखोगे फिर से वीडियोस को तो आपको ध्यान में आ जाएगा, ध्यान में ही रहेगा हर वक्त, आप ये सोचते रहना, ठीक है, कि इसको मुझे कभी भूलना नहीं है, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में इस इक्वेशन को ये जो इक्वेशन है, ऐसा कुछ भी इक्वेशन है और ये जो कंडीशन है ए ग्रेटर देन जीरो इज नॉट इक्वल टू वन और एन ग्रेटर देन जीरो, हमको इसको कभी भूलना ही नहीं है इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन लेता हूँ, लॉग 27 बेस 81, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। लॉग 27 बेस 81 इज इक्वल टू एक्स मान लेंगे और इसको 27 इसको इधर मूव कर देंगे और 27 को नीचे ला देंगे, तो 27 इज इक्वल टू 81 टू द पावर एक्स। तो ये आपको ऐसा नहीं दिख रहा कि ये 3 के फैमिली का है, कुछ ना मामा चाचा ताऊ कुछ ना, तो कुछ तो होगा ही इसका। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3 to the power 3 इज इक्वल टू 3 to the power 4, ठीक है। हमने 8th, 9th में पढ़ा है कि अगर बेस सेम हो तो पावर को हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 is equal to 4x हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/4, ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, मैं धीरे धीरे कुछ कुछ एग्जाम्पल्स आपको कर करके दिखाऊंगा, फिर हम लोग आपको कुछ सीट्स भी प्रोवाइड कराएंगे ऑनलाइन, जो आप उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आप सॉल्व करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप ये कोशिश करना कि जो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और जितने भी क्वेश्चन आपको दे, आप ट्राई करना कि उसको उसी दिन सॉल्व कर लो, ठीक है, इससे आपके फंडामेंटल क्लियर रहेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, लॉग 100 बेस 10 इक्वल टू व्हाट। तो मैंने आपको बोला था कि जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो वही फंडामेंटल से चलते हैं, लॉग 100 10 इक्वल टू एक्स मान लेंगे, इसको इधर मूव कर देंगे और 100 को इधर ला देंगे, 100 इक्वल टू 10 की पावर एक्स, ये दोनों 10 के फैमिली का है, 100 भी और 10 भी, तो 10 टू द पावर 2 इक्वल टू 10 टू द पावर एक्स, तो एक्स इक्वल टू 2 आ गई, ठीक है। यहां तक तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लॉग मान लो 10 है और ये 10 है,
अब इसकी वैल्यू बताओ। आप थोड़ी देर सोचो, देखो फिर वैसे ही करूं, log 10 10 is equal to x, मान लो 10 is equal to 10 to the power x, ये इसका भी पावर 1 और उसका x, तो दोनों पावर को कंपैरिजन कर लिए, x equal to 1। ठीक है, अब आते हैं एक जो लॉगरिथम की फंडामेंटल आइडेंटिटी है, मैं आपको ये दिखाता हूँ, लॉग की फंडामेंटल आइडेंटिटी है। ठीक है, ए देखते रहना, लॉग एन बेस ए इज इक्वल टू, इस टोटल की वैल्यू एन होगी। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी है, ये आपको याद रखना है, ये एक आइडेंटिटी है। ऐसा मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो कि 2 log 4 2, अब इसकी वैल्यू बताओ, log ऑफ 2 टू द पावर log ऑफ log ऑफ 4 बेस 2 की वैल्यू बताओ। तो हमने क्या कहा था, हमारा फंडामेंटल क्या था कि हम इसको x मान लेते हैं, इस वाले पावर को x मान लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व कर करता हूँ मैं, log 4 ये x के इक्वल होगा, हम लोग पावर कंपैरिजन करेंगे, 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 2 द पावर x, x इक्वल टू 2 आ गया। अब यहाँ पे हमने क्या बोला था कि ये टोटल वैल्यू x थी, तो 2 टू द पावर x, x की वैल्यू क्या आई 2, तो हमने बोल दिया 4। अब ऐसा तुम्हें नहीं दिख रहा कि अगर ये और ये इक्वल है तो जो आंसर होगा हमारा ये एन, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। आपको ऐसा कुछ दिखा, यही आइडेंटिटी है, यही मैंने बोला कि ए और ये अगर दोनों बेस, इन दोनों का बेस, इस लॉग का बेस और इसका बेस अगर इक्वल है तो वो वैल्यू इनके बराबर होगी। ठीक है, ये आइडेंटिटी है, तो हो गया ये। अब हम लोग ना कुछ डिडक्शंस देखते हैं, 3 इंपॉर्टेंट डिडक्शन है, तो उससे पहले मैं उस पर क्वेश्चन कर लेता हूँ, फिर हम वो डिडक्शन दिखाऊंगा मैं आपको। मैंने एक क्वेश्चन अभी सॉल्व किया था, लॉग 10 10, तो इसकी वैल्यू आपने क्या बताई थी 1। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, लॉग 10 1 अपॉन 10 इक्वल टू व्हाट। अब देखो वैसे ही सॉल्व करो जैसे हम लोगों ने पहले जितने भी क्वेश्चन उसको सॉल्व किए थे, फिर मान लो इसको x, log 10 1 अपॉन 10 इक्वल टू x, 10 1 अपॉन 10 टू द पावर x। तो अगर ये इनवर्स में अगर इसको मैं कर दूँ तो ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिखते हम लोग ने 8th 9th में पढ़ा होगा, तो इसको इसकी पावर 1 और इसकी पावर 10 टू द पावर माइनस x, तो x की वैल्यू -1 आ गई, तो इसकी पूरी वैल्यू आ गई -1। अगला क्वेश्चन करते हैं, एक है मान लो log, यहाँ पे 1 है और बेस में 10 है, अब इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू क्या होगी, आप सॉल्व करो। देखो फिर वैसे ही सॉल्व करो जैसे मैंने माना था कि log 1 10 is equal to x, 1 10 to the power x। अब x की क्या वैल्यू लूं कि वो 1 हो जाए, आपको पता है ना, x की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूँ, हमने 8th 9th में पढ़ा है कि अगर x की वैल्यू 0 लो, किसी के भी अगर कोई भी नंबर हो अगर उसके पावर में 0 ले लो तो वो 1 ही हो जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 100 लिया, उसके पावर में 0 ले लिया तो ये 1 हो जाएगा। तो हमने x में x की पावर जो भी है 10 की पावर x है, x की वैल्यू 0 डाली तो 1 हो गई। ठीक है, अब इन तीनों चारों क्वेश्चन से हम लोगों ने 3 इंपॉर्टेंट डिडक्शंस किए, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। 3 इंपॉर्टेंट डिडक्शंस क्या है, 3
इंपॉर्टेंट डिडक्शंस हैं। पहला लॉग इन बेस इन इक्वल टू वन, दूसरा अगर लॉग इन बेस में वन अपॉन इन है तो इसकी वैल्यू माइनस वन आएगी, और तीसरा अगर लॉग वन है और यहां पे इन है तो इसकी वैल्यू आएगी जीरो। थ्री इंपॉर्टेंट डिडक्शन है हमने कर लिए, ये तीनों इंपॉर्टेंट डिडक्शन। अब आपको ये आप अगर दिमाग में ये रखोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन इजीली आपसे सॉल्व हो जाएंगे। जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, लॉग टू प्लस रूट थ्री टू माइनस रूट थ्री, अभी इसको सॉल्व करो। अब अगर आपके दिमाग में ये वाली चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट डिडक्शंस आपके दिमाग में है, तो आप ये जो सोचोगे कि यार इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो जैसे ये सेकेंड वाला डिडक्शन देखो, अगर n इंटू वन अपॉन n तो ये क्या वैल्यू आई, वन आई आई। अब यहां पे वही चीज वही वाला सीन अप्लाई करो, टू प्लस रूट थ्री इंटू टू माइनस रूट थ्री, ए प्लस बी ए माइनस बी, पता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो फोर माइनस थ्री इक्वल टू वन, यानी कि इन दोनों को ये एक दूसरे के इनवर्स है। और हमने बोला था, अभी क्या बोला था हमारे डिडक्शन में, कि अगर नंबर एक दूसरे का इनवर्स है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उस लॉग की वैल्यू क्या होगी, माइनस वन, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली माइनस वन हो गई। तो ये सब क्वेश्चन क्या होता है कि आपको किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, मतलब अगर आप ये सोच लेते हो, आपको दिख जाता है, तो आप बहुत ही जल्दी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यही सब है, आगे मैं कुछ और चीज़ें आपको बताऊंगा। चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन करते हैं। हमने अभी अभी तक जो भी पढ़ा है उस पर कुछ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं कि लॉग इन रूट थ्री वन अपॉन थ्री इक्वल टू व्हाट, इसको आप सॉल्व करो, थोड़ी देर देखो कि इसमें क्या हो सकता है। अब मान लो जैसे हम लोगों ने किया था कि लॉग इन रूट थ्री वन अपॉन थ्री इक्वल टू एक्स मान लो इसको, ठीक है, फिर इस वाले को ऐसे मूव कर दो और इसको इधर ला दो, नाइन रूट थ्री इक्वल टू वन अपॉन थ्री एक्स, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये थ्री के फैमिली का है तो ऐसे लिख सकते हैं, थ्री टू द पावर टू, और ये अंडर रूट में है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये इनवर्स में है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, थ्री टू द पावर माइनस वन एक्स। ठीक है, अब हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर बेस सेम हो तो पावर को ऐड कर देते हैं, ठीक है, थ्री टू प्लस वन अपॉन टू इक्वल टू, ठीक है, अब ये पाँच हो गया, फाइव अपॉन टू हो गया, ऐड कर लोगे ना, इतना तो कर लोगे, माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई माइनस फाइव अपॉन टू। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की आंसर आ गए माइनस फाइव अपॉन टू। अब एक और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा सा हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है ऐसा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि उसके क्या मतलब है। ठीक है, लॉग जीरो पॉइंट वन पॉइंट नाइन बार टेन इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग हम हमेशा ये क्या करते थे कि अगर बार में है तो इसको ऐसे कर देते थे ना कि हाँ एक्स इक्वल टू जीरो पॉइंट नाइन बार, और बार का मतलब क्या होता है कि ये वैल्यू रिपीट कर रही है बार बार। मतलब मान लो मैं अगर 0.9 बार लिख रहा हूँ तो इसका ये मतलब हुआ कि 0.9999999 कहाँ तक, इनफाइनाइट टाइम तक। ठीक है, ये 9999 पता तक पता नहीं कहाँ तक जाएगा, ठीक है, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है। फिर हम लोग क्या करते थे कि इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते थे और ऐसे लिख देते थे 9.9 बार ऐसे लिख देते थे और घटा के 9x इक्वल टू 1 लिख देते थे। अब 0.9 बार की वैल्यू क्या लिखी है हमने, 1, ठीक है,
इसको हम लोगों ने एक्स मान लिया था, ठीक है। अभी हम लोगों ने अपने इंपॉर्टेंट डिडक्शन में पढ़ा था कि अगर लॉग का कोई भी, अगर लॉग की कोई भी बेस हो, ठीक है, अगर वन आ जाए, अगर लॉग वन है और बेस कुछ भी हो, तो हम लोग उसकी वैल्यू क्या लिखते थे, जीरो, ठीक है। तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि रियल वर्ल्ड की दुनिया में क्या है कि 0.9 बार का क्या मतलब होता है, रियल वर्ल्ड की दुनिया में ये इक्विवेलेंट टू वन है। अब वन और 0.99999 के बीच में कोई वैल्यू बता दो, मुझे तो नहीं लगता कोई वैल्यू है, तो ये ऑलमोस्ट वन के बराबर ही हो जाता है, ठीक है। तो बस यही एक चीज मुझे बतानी थी इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फाइव, ये इनफाइनाइट टाइम्स तक, ठीक है, अब इसकी वैल्यू बताओ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, ये बहुत बार पूछे जाते हैं बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जैसे लाइक WBJEE या फिर तुमको MP वाले एग्जाम में, MP इंजीनियरिंग एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जेईई मेंस में भी पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, कैसे सोचना है कि मान लो ऐसे लिख दिया 5 = x, ठीक है। अब ऐसे में मान लो कि अगर मैं कहीं से भी शुरू करूँ, ये टोटल ये इनफाइनाइट तक, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसकी वैल्यू हमने क्या मान ली, x, ठीक है, ये √5 √5 √5 ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। अब मान लो ये पहले वाले को हम ऐसे ही छोड़ देते और फिर यहाँ से शुरू करते, ये पिक्चर दिमाग में कोशिश करो विजुअलाइज करने की कि हाँ √5 √5 √5 इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो मैंने इस √5 को यहाँ पे छोड़ा, अगले वाले √5 से शुरू कर दिया, तो उसको भी तो x ही बोलेंगे ना। इमेजिन करो ना कि इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो कुछ भी मान लो पहली जो वैल्यू है वो तो रिपीट ही कर रही है ना घड़ी 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 इन्फिनिटी तक, ठीक है, तो उसको भी हम लोग एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो इस वाले पूरे टर्म को एक्स मान लिया, हमने पहले लिखा था, ठीक है। अब इस दोनों साइड में स्क्वायर कर दो, 5x √x² उधर ले जाओ, x² - 5x = 0। हम लोगों ने क्वाड्रेटिक सॉल्व करना तो सीखा ही है। अब x = 0 और x = 5 दो वैल्यू है एक्स की, ठीक है, ये इसको हम लोगों ने इस टोटल को एक्स माना था, ठीक है। अब इसकी दो वैल्यू है x = 0 और x = 5। अब तुम खुद ही बताओ कि हम कौन सा वैल्यू लेंगे, या तो दोनों ले लेंगे या एक लेंगे कोई, ठीक है, सोचो कौन सा एक लेंगे। अगर x = 0 लेते हैं, हम लोगों ने पहले डिफाइन किया था कि जो हमारा एन है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, हम लोगों ने पहले ही बोला था एन ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तुम्हें याद है ना, और ए इज नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे देखो अगर ये जीरो हो गया तो एन, हमने तो बोला ही नहीं था कि एन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, हमने तो हमेशा बोला था कि एन ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाले वैल्यू को हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है, ये वाली वैल्यू को ले लेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज था जो मुझे आपको बताना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोगों ने एक फंडामेंटल आइडेंटिटी पढ़ा था, उस पर मैं एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन ये सॉल्व करते हैं, 7 log x 7 + 2x + 9 = 0। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। अभी हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी थोड़ी देर पहले कि a log, इसको हम लोगों ने बोला था n, a टू द पावर log ऑफ n बेस a इक्वल टू n होता है, a के पावर में कुछ भी लॉग हो, अगर ये वाला ये बेस और ये बेस अगर सेम हो तो उसकी वैल्यू n के इक्वल आती है। हम लोगों ने ये इंपॉर्टेंट डिडक्शन में पढ़ा था,
तो सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करो, ये 7 ये और ये इक्वल है, तो x प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 आ जाएगी, तो 3x प्लस 9 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3, ये आंसर सही है, सही आंसर। एक चीज देखो कि हम लोगों ने पहले ही बोला था कि n ग्रेटर देन 0, ये बार बार ये चीज आ रही है, आपको एकदम अच्छे से ध्यान रखना है, n ग्रेटर देन 0, यहां पे x वो n की तरह ही एक्ट कर रहा है, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, लेस देन 0, तब तो वो डिफाइन ही नहीं होगा, यानी कि इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू 5 हो जाएगी, ये डिफाइन नहीं होगा इक्वेशन, क्योंकि x डिफाइन नहीं है -3 पे, ठीक है, तो इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अब आज के लेक्चर में मैं इतने ही तक आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारे क्वेश्चन मिल जाए, अभी तक मैंने जितने भी चीजें आपको पढ़ाई है मैं कोशिश करूंगा कि आपको क्वेश्चन मिल जाए और आप वो सॉल्व करो, ठीक है। अगले लेक्चर में इससे आगे मैं शुरू करूंगा, लेकिन उससे पहले, खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी। पहली चीज जो हमने पढ़ी थी, एक था n इज इक्वल टू ए टू द पावर x, इसको इक्विवेलेंट बोल रहे थे log n बेस a इज इक्वल टू x, ये एक दूसरे के मैथमेटिकली इक्विवेलेंट है, ठीक है, अगर इसके लिए जो कंडीशन ट्रू है इसके लिए भी वही कंडीशन। ये तीर का मतलब होता है, जैसे ये वाली तीर ये इधर भी जा सकता है, और ये इस वाली तीर का मतलब है कि ये वाली इक्वेशन इधर भी आ सकती है और ये वाली इक्वेशन इधर जा सकती है, ठीक है, मतलब एक दूसरे को दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, मैथमेटिकल आइडेंटिकल क्वांटिटी है, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज़ को, आप ध्यान में रखना ये दोनों एक ही इक्वेशन है, ठीक है। हम लोगों ने इसके लिए कंडीशन पढ़ी थी n ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 और a इज नॉट इक्वल टू 1, ये हम लोगों ने पहले कंडीशन पढ़ी थी, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए थे, फिर मैंने आपको कुछ एक फंडामेंटल आइडेंटिटी बताया था, फिर आपको 3 इंपॉर्टेंट डिडक्शन हमने दिखाए थे वहां पे, log n ये इसकी वैल्यू 1, log n वन अपॉन बेस n इक्वल टू -1, log 1 कोई सा भी बेस ले लो इक्वल टू 0 होती है, कोई सी भी बेस लो अगर log 1 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 ही होगी। ये अभी तक हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं और इस पर हमने क्वेश्चंस भी किए हैं, मैं अगली क्लास में आपको कोशिश करूंगा कि इन सब चीज़ों पे और क्वेश्चन कराऊं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊं, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन थे, अब हम लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में जिससे आपकी थिंकिंग लेवल और इस चीज़ में बढ़े, आपको और सोचना पड़े, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, ओके, थैंक यू।